हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर ये है कि चिट्ठी लिखकर बकायदा एक बड़े अफसर ने पुलिस, माफ कीजिएगा, सरकार को ये कहा है कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं पहले ये कह रही थी कि 101 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, ये ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया है। 101 पूर्व नौकरशाहों ने सरकार को खत लिखकर ये आरोप लगाया है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है और ये आरोप लगाया है कि मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके के खत, इस तरीके के संदेश क्या बताते हैं, जबकि पूरी दुनिया आपकी तरफ, हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देख रही है। जो फैसले लिए गए हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं, उन स्टेप्स को देखते हुए बिल गेट्स भी तारीफ करते हैं। और ऐसे में खबर ये आती है 101 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ये खत लिखते हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे भाई, वो क्यों भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला कौन कर रहा है? और फिर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप पूरी कौम को इस ब्रैकेट में नहीं डाल सकते हैं। कुछ जमातियों की वजह से पूरी कौम के ऊपर आप सवालिया निशान नहीं लगा सकते हैं, पूरी कौम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ऐसा आरोप आप नहीं लगा सकते हैं।